दुनिया में ना सबसे पहले कौन से गाड़ी बनाया था होगा, जाके चैनल चेक किया भाई, 15-20 वीडियो अपलोड करके रखा था यार स्काई लॉर्ड के ऊपर। क्या गया यार वो बस वाला भाई, जो पहला बंदा मैं ही होगा दुनिया में जो बिना बाइक के मतलब हेलमेट ले रहा हूँ पहले से। को सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वापस से स्वागत करता हूँ एक नई सी ब्लॉग में। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। सो आपका भाई आज ना सुबह सुबह उठ गया, कहीं पर जा रहा है आपका भाई, क्या लेने जा रहा हूँ बताऊंगा आप लोगों को, आप लोग बने रहना ठीक है ना गाइस। तो मम्मी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मम्मी, क्या काट रही है बता दो जल्दी जल्दी। सब्जी सो गाइस ये वाला सब्जी काट रहा है मम्मी, धीमे क्या बोलते पता नहीं, जो कि हमारे लैंग्वेज पे इसको कुमरा बोलते हैं, लोकल मुर्गे के साथ हम बहुत मैच कर जाता है यार, बहुत सही होता है। सो गाइस सबसे पहले नहा धो के रेडी होता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे, मैं फिर बताऊंगा कहाँ पर जा रहा हूँ ठीक है गाइस। सो गाइस मस्त खा पी के रेडी हो चुका हूँ, हम जा रहे हैं आज तेजपुर, क्योंकि हमने पिछली वाली ब्लॉक में बताया था हमें हेलमेट लेना है एक। सो हेलमेट लेने के लिए अभी हम जा रहे हैं तेजपुर गाइस, पहले हम लोग डिकियाजुली जाएंगे, मेदिनी ब्रो का कुछ काम कराना है। यहाँ पर है हमारे मेदिनी भाई, मेदिनी भाई और हम ही जा रहे हैं आज, और ये मेदिनी भाई का बाइक गाइस, अभी मोटो ब्लॉक भी करेंगे हम लोग थोड़ा बहुत, तो चलते हैं गाइस लेट्स गो। दे दो भाई, ये लीजिए ब्रो मेरा माथा। यस सर आप अभी पहनिए सर। ओके बाय बाय। कुछ खर्चा पानी मिलेगा क्या सर? खर्चा पानी तो फिलहाल मैं ही हल्का हूँ। बाय बाय। ठीक है बाय बाय। लोकल बॉय को भी बाय बाय बोल दिया, अब हम लोग चल रहे हैं ढिकियाजुली, मेदिनी भाई थोड़ा काम कराएगा, स्टिकर वगैरह लगाना है ऐसे बोल रहे हैं, उसके बाद हम चलेंगे तेजपुर। आपको हेलमेट ही बचा सकता है, तो इसीलिए हेलमेट लेने जा रहा हूँ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाली बाइक से ना एंगल बहुत सही आता है गाइस, क्योंकि इसकी जो हैंडल है वो बहुत ऊपर है, अच्छा मज़ा आता है यार। हेलमेट से एक बात याद आ गया, कुछ दिन पहले का इंसिडेंट है ये, क्योंकि एक गेमिंग प्लेटफॉर्म से था एक भाई, भाई का नाम था स्काई लॉर्ड। स्काई लॉर्ड भाई का ना बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था यार, कुछ लोग ना भाई उसी का भाई एक्सीडेंट का फ़ायदा उठा के ना भाई इतने सारे वीडियो बना दिया भाई, कोई मर रहा है यार तुम लोग भाई, एक वीडियो बना दिया छोड़ो यार कोई बात नहीं, हाँ मान लिया भाई, जाके चैनल चेक किया भाई 15-20 वीडियो अपलोड करके रखा था यार स्काई लॉर्ड के ऊपर। यार ऐसे नहीं करना चाहिए भाई, तुम किसी के मौत पे ना ऐसे व्यू छाप रहे हो यार, गलत बात है। सो इसलिए गाइस सेफ्टी फास्ट। बस के नखरे देखो भाई, बस का नाम भाई पता नहीं यार, बहुत तेज चलता है भाई इसका, बस चले ना भाई किसी को भी ठुक देगा भाई, इतने जोर से ऐसे ऐसे ओवरटेक करता है भाई, भाई दूर से डर लगता है। ये बस वालों का नखरा देखो, क्या गया यार वो बस वाला भाई, रू काम जाता है भाई, रू एक होता है ना भाई, रू 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 काम जाता है यार। जाओ फौजी भाई लोग, आप लोग आराम से जाना ठीक है ना, आप लोग भी हमारे देश की रखवाले। फाइनली आ गए अभी हम हमारी वाली लोकेशन पे, अभी इस बाइक पे ना थोड़ा स्टिकर वगैरह कराएंगे, थोड़े से भी काम करा लेते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से डायरेक्ट तेजपुर। हमारे सब्सक्राइबर भाई भी मिले हैं, कैसे हो भाई? अच्छे है यार। कहाँ से हो आप? ढिकियाजुली से हो? अरे भाई थैंक यू यार। अभी हम लोग तेजपुर जा रहे हैं। तो गाइस एक दिक्कत हो गई हमारी, कैमरा ना नीचे हो रखा था, फुटेज ही पूरा ऐसे आ गया। अबे ट्रक बाबा, दुनिया में ना सबसे पहले कौन से गाड़ी बनाया था होगा, किस गाड़ी को सबसे पहले लॉन्च किया था होगा, और उस आदमी का नाम क्या था होगा शायद, आप लोग बता सकते हो? जो भी राइट बताएगा ना उसका कमेंट में पिन कर दूंगा मैं सबसे टॉप पे। ओ, ओ, ना सारा गाड़ी भाई, क्या हो रहा है यहाँ पर? ओहो बच्चों की छुट्टी की टाइम हो गई, बाप रे ऑटो, इतनी सारी ऑटो। तो गाइस देख सकते हैं पूरा मार्केट लगा हुआ है, आराम से जाना पड़ेगा यार, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं स्कूल से, ताकि हम मिशन चरली पे आए हुए, और देखो भाई ट्रैफिक क्या खतरनाक गदर मची हुई है भाई ट्रैफिक की, और इतनी गाड़ी है भाई आगे पीछे भाई, कहीं पर भी देखो गाड़ी गाड़ी भाई, चारों ओर उस साइड पे भी गाड़ी गाड़ी हो भाई, और यहाँ पर देखो कितनी लंबी लंबी बसें लगी हुई है आगे। देखो मैं दिनी भाई का खोपड़ी बजा दूँ, इस साइड पे है मिशन हॉस्पिटल। तेजपुर एक घूमने लायक जगह है भाई, लेकिन तेजपुर पे ना गाड़ी बहुत दिख रहा है आज मेरे को, क्या हो गया भाई पता नहीं यार, सब लोग अमीर हो गए क्या भाई। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम हमारे वाले लोकेशन पे, ये देख सकते हो गाइस मोटो कस्टम्स ठीक है ना। सो यहीं पर मेदिनी भाई ने फोन किया था, अभी क्या कुछ है अंदर जाके देखते हैं भाई, हेलमेट लेना है हेलमेट।
अरे इतने सारे हेलमेट है, देखो ये सभी कॉस्टली महंगाई महंगाई, भाई हमारे औकात से बाहर ही है तो। और ये साइड पे थोड़ा कम है, जैसे कि ये मैं पकड़ रखा हूँ, देखो ये है बेगा का, ये भी अच्छा ही लग रहा है गाइस मेरे को, यही ले लूँ क्या? सो भाई ने बोला है वो गाड़ी आ रहा है, उस गाड़ी में ना और भी है हेलमेट वगैरह, वेट करने के लिए बोल रहा है, सो वेट करते हैं थोड़ा सा। लास्ट चॉइस गाइस हमने ये रेड कलर में लिया, देखो हमारा नया हेलमेट। तो पहला बंदा मैं ही होगा दुनिया में जो बिना बाइक के मतलब हेलमेट ले रहा हूँ, पहले सबसे पहले हेलमेट ले रहा हूँ, बाइक तो भाई धीरे धीरे ले लेंगे। सो फिलहाल देखो भाई हमने ये वाला ले लिया, ठीक है कैसा लग रहा है बताना गाइस आप लोग। तो गाइस आप लोग भी आ सकते हो तेजपुर में कभी, मोटो कस्टम्स, अच्छा लगा, थैंक यू भाई यार, फिर आएंगे जल्द से, नेक्स्ट टाइम आऊँगा ना तो महंगी वाली लेके जाऊँगा, ठीक है वहाँ पर एक ब्रो है। सो गाइस अभी हम निकल रहे हैं, देख सकते हो यही है मोटो कस्टम, एक्सेसरीज वगैरह है बाइक की, आप सब कुछ इंस्टॉल कर सकते हो, काफ़ी हम्बल पर्सन है दोनों भी, बहुत अच्छा लगा यार, बहुत जल्दी आऊँगा और महंगी वाली हेलमेट लेके जाऊँगा भाई की दुकान से, देखना सपोर्ट चाहिए गाइस, बस सपोर्ट। जो भी होगा इस मैंने रेड कलर का हेलमेट ले लिया, भाई लोग भी यार मैचिंग कर रहा है रेड कलर का, तो इतने प्यार से बोल रहे थे भाई लोग यार क्या ही बोलूं, ले ही लिया। भाई यहां पर हमको चाचा जी ने रोक लिया भाई, भाई लाइसेंस पूछ रहा है यार, को खेला मरा ये तो अपना लोगों रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना लोग तो सब लगे ना। ফাইনেন্স করলে তো আরো বেশি যাব, এইটো মোর এনি টাইম অন থাকে, এইটো আরো চ্যানেল আছে মোর ইউটিউবত চাব নর্থ ইস্ট ফ্যালকন বলে, ঠিক আছে থ্যাংক ইউ। सो भाई लोग यार पोपट होते होते बच गया भाई, पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, लाइसेंस वगैरह चेक किया और गाड़ी के कागजात वगैरह सब कुछ चेक किया और फिर जाने दिया हमें। मैं पहला बंदा होगा गाइस यार मैं बिना बाइक के बिना गाड़ी के पहले लाइसेंस और हेलमेट, देखो मतलब इस कांड से तो बच गया यार, थैंक गॉड भाई मैंने अच्छा ही किया यार हेलमेट और लाइसेंस बना के। बोल रहा था पुलिस वाला भाई कि आप हेलमेट उतार दो, हेलमेट उतार दो, भाई मैं नहीं उतारा यार, मुझे रिकॉर्डिंग चालू रखना है ना इसलिए नहीं उतारा मैंने हेलमेट, तो अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा के वहां से चल दिया हूँ। इंडिकेटर इत्यादि सो दे भाई, और कुछ ही टाइम बाद ना ब्लॉग आने वाला है और भूख भी लगा है बहुत ज़्यादा, तो अभी हम जाते हैं यार जल्दी जल्दी, मौसम देखो भाई नेक्स्ट लेवल, ऑटो पे कैसे लटक के जा रहा है भाई भाई अच्छा लग रहा है भाई मस्त। इंडिकेटर लगाए लोग लगे सडनली आ जाते भाई, इंडिकेटर दिए बिना कोई भी ठोक देगा भाई तुम्हें ऐसे, तो अपने फैमिली घर पे बैठ के आराम से व्यू एंजॉय करना चाहिए हमारे वीडियो में, बस उतना ही क्वालिटी व्यू एंड ऑडियो उतना ही चाहिए भाई अपने को, मैं अगर उतना अच्छा दे पाऊंगा ना आप लोगों के लिए मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। तो गाइस अभी हमारा मेडिनी भाई का गाड़ी खाना खा रही है, देखो भाई कितनी खाती है भाई, तू बिना खा के भी चल सकता है यार, आपका गाड़ी खाना खा रहा है। आई होप गाइस आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा हमारी इस वाली वीडियो से, बहुत कुछ मैसेज मिला होगा आपको, यही कि मतलब राइड करते वक्त एक हेलमेट तो मतलब कंपलसरी चाहिए चाहिए, उसके बाद आपके पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है तेजपुर पे हमें पकड़ लिया था पुलिस वालों ने, अगर हमारे पास लाइसेंस वगैरह नहीं होता तो हमारा चालान कट जाता भाई, सब लोगों को पता है फिर भी मैं बता रहा हूँ अपने तरफ से, है ना हमारे पास मतलब छोटे छोटे ऑडियंस जो कि मेरे वीडियोस को देखते हैं, उन लोगों को मैं थोड़ा सा गाइड कर पाऊँ वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई, गर्व की बात है।
सो आई होप गाइस आप लोगों ने आज की ब्लॉग बहुत इंजॉय किया होगा। आज की ब्लॉग ना यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छी लगी हो ना, दिल से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना भाई, दिल से करना, ठीक है ना। तो मिलते हैं तब तक एक धांसू सा ब्लॉग में। लेकिन हाँ, तब तक सब लोग गाइस खाओ पियो मस्त रहो यार, बाय बाय।